अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे मोगलई पराठा, जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से बनाएंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, स्किप ना करें। मोगलई पराठा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है 2 कप मैदा। नमक डालेंगे, नमक अपने हिसाब से डालें। तेल डालेंगे 1 चम्मच। ये सबको मिक्स कर लेंगे, पानी डालकर गूंद लेंगे। हमारा डो तैयार हो गया है। अब हम इसके ऊपर तेल लगा देंगे और रेस्ट पे रख देंगे 15 मिनट के लिए। फिलिंग के लिए मैंने यहाँ पे लिए 1 प्याज, धनिया की पत्ती और 3-4 हरी मिर्ची को कट कर लिए है बारीक, और 1 प्याले में 2 अंडे फोड़ेंगे। उसमें प्याज डालेंगे, धनिया की पत्ती डालेंगे और हरी मिर्ची डालेंगे। 1 चम्मच चिल्ली फ्लेक्स डालेंगे। नमक डालेंगे, नमक अपने हिसाब से डालें। आटे में भी नमक डाले थे, इसके लिए थोड़ा कम ही डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यह हमारा अंडा मिक्स हो गया है। अब हम चलते हैं आगे के प्रोसेस की तरफ। 15 मिनट हो गए, यहाँ पे हमारा आटा सेट हो गया है। अब हम इसको बेल लेते हैं। हम यहाँ पे थोड़ा पतला ही बेलेंगे और जितना बड़ा पटरा है उससे थोड़ा बड़ा ही बेलेंगे। इस तरह साइड से भी पतला कर लेंगे। हमारा पटरा छोटा है, इसकी वजह से हम इस तरह से बेलेंगे, नहीं तो बड़ा पटरा रहता तो एक बार में पूरा हो जाता। अब इसके अंदर की फिलिंग हम डालेंगे, बीच में अंडे को फैला लेंगे। और इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे दोनों तरफ से, फिर साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पे फोल्ड कर लिए हैं, इसको अच्छे से हल्का हल्का चिपका लेंगे। अब हम इसे फ्राई पैन में डाल के बना लेंगे। यहाँ पे मैंने 2 से 3 चम्मच फ्राई पैन में तेल डाला है। थोड़ा तेल ज़्यादा ही डालेंगे, दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें 2-3 पराठे और सेक सकते हैं। यह हमारा एक तरफ से हो गया है। अब हम इसको पलट लेते हैं। फ्लेम एकदम स्लो ही रखेंगे, पूरा पराठा हम स्लो फ्लेम पे ही बनाएंगे, नहीं तो अंदर से कच्चा रह जाएगा अंडा। और दोनों तरफ से इस तरह से सेक लेंगे। यहाँ पे हमारा मुगली पराठा तैयार हो गया है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इसी तरीके से दूसरा भी बना लेंगे। अब हम पराठे को कट करके दिखाते हैं। बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है और टेस्ट इसका बहुत अच्छा है। आप देख सकते हैं अंडा अच्छे से बन गया है अंदर से भी,
और बहुत क्रिस्पी है, बहुत टेस्टी है। अब हम इसे सर्व करते हैं। आप इसे टिफ़िन में भी दे सकते हैं, बच्चे खुश हो जाएंगे कि कुछ नया डिश है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब।